और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिसार पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर। लागडी टोल से गांव लेकर के जाया जाएगा पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। सिक्किम में हुए हादसे में शहीद हुए थे सोमवीर की शहादत के बाद से संदौल गांव में मातम। तो सोमवीर की शहादत के बाद से संदौल गांव में इस वक्त मातम का माहौल। वहीं हिसार पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर, लागडी टोल से गांव लेकर के जाया जाएगा पार्थिव शरीर। तो इस वक्त हिसार पहुंच चुका है, लेकिन गांव लेकर के जाया जाएगा पार्थिव शरीर को। वहीं आपको बता दें, सिक्किम में हुए हादसे में सोमवीर शहीद हुए, संदौल गांव में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि सिक्किम में यह हादसा हुआ, जहां जवानों से भरी हुई गाड़ी जो है वो पलट गई, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें हिसार का लाल सोमवीर शहीद हो गए। वहीं उसके बाद से खबर सुनते ही पूरे परिवार में, पूरे गांव में इस वक्त मातम का माहौल है। सिक्किम में हुए हादसे में ये शहीद हुए सोमवीर, जिनका अंतिम संस्कार आज उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां लागरी टोल से गांव लेकर के अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। वहीं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिक्किम में हुए हादसे में शहीद हुए थे सोमवीर। वहीं आपको बता दें कि उस पूरे वाहन में 16 जवान उस वक्त सवार थे, जब ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें हिसार के लाल भी शहीद हो गए। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमित वर्मा हिसार से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। अमित, इस वक्त अब किस तरह का माहौल और पार्थिव शरीर कहां तक लेके आया गया? इस समय हम जो सोमवीर का घर है वहाँ पर मौजूद है, उनके परिवार वाले गांव वाले लोग लगातार पहुंच रहे हैं, और उनके पिताजी का भी रो रो कर बुरा हालत, पूरे गांव के अंदर मातम का माहौल छाया हुआ। देख सकते यहाँ पर लगा, उसके पिताजी बिल्कुल देख सकते यहाँ पर उसके पिताजी बोलने की हालत में नहीं है। गाँव वाले से बातचीत करेंगे की गाँव में क्या आप क्या कहेंगे जी, आपके गाँव का लड़का शहीद हुआ देश के लिए, देश की सेवा करते क्या कहेंगे जी? देख तो पिताजी का रो रो कर बुरा हाल है, और परिवार वाले लगातार गांव वाले लोग उनके घर पर लगातार सत्ता देने के लिए पहुंच रहे हैं, और लगभग 10 से 15 मिनट में घर के अंदर शरीर पहुंच जाएगा, जिसके बाद गांव वाले लगातार पहुंच रहे हैं, उनके पिताजी से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिताजी का भी रो रो कर बुरा हाल है, और परिवार वालों के लिए भी यहाँ पर बहुत ही दुख की घड़ी है। देख तो बिल्कुल तस्वीरों के अंदर, और अब क्या कहेंगे, शहीद हो गया है, शहीद हुआ है, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी मौके पे आया? कल आए थे, पटनी को नटपाजी कर दिया, आए नहीं अभी। बिल्कुल अमित, देखिए जी, हमें देखिए जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, इस पूरे वक्त में कठिन समय वक्त है ये अभी उनके पूरे परिवार के लिए। लेकिन अगर बात उनके परिजनों की जाए, परिवारजनों की जाए, उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य? अजी परिवार की बात करें तो पिताजी का रो रो कर बुरा हाल है, मम्मी का भी बुरा हाल है, और दूसरी बात की जाए तो इसके परिवार की बात करें तो इसके परिवार में एक साल की बेटी है, और एक साल का लड़का, 3 साल की बेटी है, और बिल्कुल तस्वीरों के अंदर दो महिलाएं लगातार आ रही है, अपने परिवार वालों को सतर्क देने के लिए आ रही है। महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लगातार महिलाओं के बारे में उसकी पत्नी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और उसकी माँ भी हमारे साथ है, और पूरे परिवार के बारे में आपको जानकारी देंगे। गाँव की महिलाएं यहाँ पर आई, आप क्या कहेंगे जी, आपका बेटा शहीद हुआ है तो क्या कहेंगे?
की बात करें परिवार में कौन कौन है? उसकी पत्नी कहाँ पर है? बिल्कुल उसकी माँ, उसकी माँ से भी बिल्कुल उसकी माँ से भी बिल्कुल माँ की भी बात करने की कोशिश करेंगे। माँ और पत्नी बिल्कुल बिल्कुल देखते यहाँ पर परिवार का रोड ऊपर बुरा रहा है लगातार। यहाँ पर महिलाएं खतरना देने के लिए लगातार पहुंच रहे, गाँव वाले लोग देखते हैं तस्वीरों के अंदर भी लगातार महिलाएं लगातार आ रही है। यहाँ पर परिवार वालों का बुरा हाल है। मीडिया से बात की लगातार पूरी सहन शक्ति नहीं है, जिसको लेकर महिलाओं का कहना है की 10 से 15 मिनट के अंदर सोमवीर का शरीर पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त काफी दुख का माहौल उनके पूरे घर में देखा जा रहा है। और जैसे जैसा कि अमित ने आपने दिखाया, उनके पिता का रो रो करके बुरा हाल है, उनकी माता जी का रो करके बुरा हाल है। तो पूरी उम्मीद यही की जा रही है कि हिम्मत बना करके रखे। आपका बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरियाणा में आज के इस बुलेटिन में यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर रुक करेंगे। टॉप 25 खबरों से।